गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी हमने कहा है। जीती हमारे टाइम मेहंदी की रात ढोलकी पे गाने बजाते थे और अब देख। ओ नहीं बहन जी, आजकल दी जनरेशन नु ऐसे ही गाने पसंद है। अच्छा भाई, हमारी टीम में से तो हो गया, अब आपकी टीम में से कौन है? अब हमारी टीम से आएगी बबली। दादी उसे छोड़ो ना। नहीं, हमारी टीम में है ये, हमारी टीम में है। अरे हमारी चीटिंग चीटिंग चीटिंग। रॉकस्टार, मैं रॉकस्टार। लव लव हैप्पी लव, लव लव हैप्पी लव, हैप्पी लव रॉकस्टार, लव लव रॉकस्टार। मेरा अभी बिना जितने उल्टे सीधे गाने गाता है उतने ही लोगों को पसंद आता है। पता नहीं कैसे दादी, मैं तो ना ऐसे गाने सुन सकती हूँ ना गुनगुना सकती। गुनगुनाने वाले गाने तो कुछ और होते हैं दादी। गाने के लिए हुनर की जरूरत पड़ती है, सुर और ताल का होना बहुत जरूरी है। सुर और ताल की समझ है मुझ में। अगर सब कुछ है तुम्हारे पास तो गा भी लो। गाइए ना भाभी, सबको अच्छा लगेगा। कम ऑन बी ए स्पोर्ट। नहीं मैं नहीं गा सकती। तो जो काम तुम नहीं कर सकती उसमें दूसरों को क्यों क्रिटिसाइज करती? Why? रहने दो अभी, भजन गाने वाली लड़की रॉक क्या समझेगी। अरे अगर आपको इतनी समझ है तो आप गाइए ना। ऑफ कोर्स, मुझे अभी के हर गाने याद है, प्रॉपर सुर और ताल के साथ। वॉच इट, रॉकस्टार। मैं रॉकस्टार। लव लव हैप्पी लव, लव लव हैप्पी लव, हैप्पी लव रॉकस्टार, लव लव रॉकस्टार। पूरी रात हम मचाए शोर, गाओ ऑल नाइट, डू इट लाइक अ रॉकस्टार। अब पता लगा इसके बॉयफ्रेंड से क्यों झगड़ा हुआ है, इसीलिए तो वो भाग के गया। वैसे दासी, कम से कम इसने कोशिश तो की है। कुछ लोगों की इमारत खुद टूटी हुई है लेकिन नुक्स निकालते हैं ताजमहल की, है ना? प्रज्ञा, ये तो इंसल्ट वाली बात हो गई, अब तो तुझे इसका जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं दादी, मैं कैसे? अरे जिस तरह से डांस में मजा चखाया था उस तरह से। चाची, कमान कमान चाची। तू ऐसे आ।
तुम रुक क्यों गई? मैं तो ताल दे रहा था, और वो भी इसलिए ताकि तुम सुर पकड़ सको। लेकिन तुम फिर से गाना चाहोगी? चुप कर, मेरी सोनी बहू ने बहुत सोना गाना गाया। हाँ, आज तो हमारी प्रज्ञा ने अभी से भी अच्छा गाया है। इंसल्ट वो प्रज्ञा सबके सामने। आलिया तेरा कोई प्लान वर्क नहीं कर रहा है, वो बहन जी धीरे धीरे सबकी फेवरेट होती जा रही है। अरे तू क्यों इतना गुस्सा कर दिया तने? अरे सुनो भैया, खाना बन गए सारे टेबल पे लगा दो, और जैसा कहे वैसे ही लगाना जी, ठीक है? क्यों इतनी टेंशन लेती है तू स्वीटहार्ट? तो क्या हुआ, अगर डायरेक्टली इंसल्ट नहीं कर पाए इनडायरेक्टली तो कर सकते। वो कैसे? मुझे भी नहीं चाहिए। What a waste. Robin! Robin! Where are you? और ये क्या है, नीचे सब डर्टी पड़ा हुआ है। और मेरा कान का झुमका गुम हो गया है, वो भी बाहर गार्डन में। एक काम करो, सारे वेटर्स सारे सर्वेंट्स को इकट्ठा करो और बाहर जाकर ढूंढो। आई वॉन्ट दैट, मुझे कोई नो नहीं सुनना है, क्लियर? सबको लेकर जाओ फास्ट। व्हाट यू अप टू? कान का झुमका पहन रही और क्या, ज्यादा मत सोच, जैसा मैं कहूं वैसा कर। लेट्स गो। खाना तो भेज दिया ना बाहर? हाँ पापा जी, अब सब लोग खाने ही वाले हैं। एक बात बता पुत्र, ये सब लोगों को खाना पसंद तो आएगा ना? कैसी बात कर रहे हो पापा जी, ऐसा कभी हुआ है कि हमारा खाना किसी को पसंद ना है? अब देखना, ये लोग खाने के साथ साथ ना प्लेट भी खा जाएंगे। सारे सर्वेंट्स कहाँ चले गए? What's going on? आप यहाँ? I mean, कुछ चाहिए था आपको? सारे सर्वेंट्स कहाँ हैं? यो, क्या हुआ? बाहर सारे गेस्ट खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, पर कोई सर्वेंट नजर नहीं आ रहा है। दादी बहुत नाराज है, इनफैक्ट अभी भी बहुत गुस्से में, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। अरे पर मैंने तो सारे सर्वेंट्स को कहा था कि एक सेकंड, हम लोग देख के आते। चल मैं भी चलता हूँ। अरे क्या हुआ, सर्वेंट्स कहाँ चले गए? एक भी नजर नहीं आ रहा। अरे दादी मैं हूं ना, मैं सब कर दे तो। अरे नहीं बेटा। अरे आप बैठ। कहां पर रह गए थे तुम, कब से ढूंढ रहे थे तुम्हें, काम चोर कहीं के? तुम हो? मुझे लगा कि कोई नौकर है। क्या है ना, हमारे घर में खाना सर्व नौकर करते जी। सारे सर्वेंट्स नजर नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही सर्व कर देता हूँ। आई एम सो सॉरी। कोई नहीं जी, चलता है। दीदी आप बैठ जाओ। तूने भी तो नहीं खाया ना अभी, बाद में साथ में खाएंगे, ठीक है? अरे अभी और पूरब कहाँ है? दादी मैं अभी देखती हूँ, अभी है। हाँ देख लिया बेटा। भाभी सुनिए तो। भाभी जी, अपने भाई को नौकरों की तरह काम करते हुए देख बुरा लग रहा होगा ना? किस बात का बुरा लगेगा, वो अपना काम कर रहा है। आई मीन ऐसा काम, नौकरों वाला, आई मीन सबको सर्व कर रहा है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता,
और आज जिन लोगों के सामने तुमने मेरे भाई को इतना सुनाया ना, कल जब वही लोग उसके खाने की तारीफ करेंगे तब मेरा ही सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। अरे चलो ना दीदी खाने। नहीं नहीं मैं बाद में खाऊंगी। अच्छा सुन, तुझे मदद की जरूरत है क्या? अरे नहीं दीदी, बंदे ही कितने, इतने लोगों का तो मैं ऐसे चुटकी में सर्व कर दूं। चलिए ना, आप चलिए ना। तो चल मैं आती हूं। ठीक है दादी। ये तो क्या कर रहा है पूरा? तू आलिया से शादी करके गलती कर रहा है। जिस तरह से तुम बुलबुल को देख रहे हो, मुझे नहीं लगता तुम उसे भुला पाओगे। तुमने हमें तुझसे सवाल करने से मना किया है, लेकिन यहाँ जो चल रहा है उसे देख के अनदेखा कैसे करे? एक ही बार बुलबुल से मिली हूँ, पर कह सकती हूँ जोड़ी तुम दोनों की ही अच्छी लगेगी, जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जानता हूँ चाची जी। Hey Robin. Life saver, buddy. Cheers. अरे क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा था ना आप घर पे नहीं पीते। झूठ बोला था मैंने, झूठा हूँ मैं। खुश? प्लीज प्लीज मत पीजिए ना। आपने कहा था, आपने दादी को प्रॉमिस किया था कि आप नहीं पियेंगे। मैंने दादी को ये प्रॉमिस किया था कि मैं पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा, घर पर ना पीने का प्रॉमिस नहीं किया था मैंने। लेकिन दादी ने आपको किसी को छोड़ने के लिए कह दिया या आपका ही मन कर गया तनु को छोड़ने का? तो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे आप? ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, उसके बाद बीच रास्ते में उतारूंगा, उसके बाद रिवर्स लेकर फुल स्पीड उड़ाऊंगा। उसके लिए मुझे शराब की जरूरत देनी पड़ी। ठीक है पीजिए, मैं दादी को लेकर आती हूँ और दिखाती हूँ कि बेशर्मी से उनसे किया वादा तोड़ रहे हैं आप। लेकिन इस चश्मिश को उड़ाने के लिए ना मुझे जेल हो जाएगी, वो भी जान से मार दूंगा मैं उसे, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझे। भाई क्या सोच रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? और अगर उसको घर से बाहर निकालना ही है तो फिर कोई और तरीका सोचो। और क्या सोचो, अब दिमाग चलना बंद हो गया है मेरा, सबका सब खा गई है वो चश्मिश। आइडिया? उसने आपको शराब पीने से रोका ना भाई, आप उसको शराब पिला दो ताकि उसकी असलियत सबके सामने आ जाए। वाओ व्हाट एन आइडिया, अभी उसे शराब पिलाएगा और वो चीयर्स करके पी भी लेगी। स्वीटहार्ट, ये मिडिल क्लास बहन जी टाइप की जो लड़कियां होती है ना, इन्हें अल्कोहल की वैरायटी के बारे में थोड़ी ना पता होता। क्यों भाई? भाई आप उसकी ऑरेंज जूस में वोडका मिला देना और फिर आएगा मजा। क्लैप, साउंड्स लाइक अ प्लान। और फिर जब वो दारू पीकर सबके सामने नौटंकी करेगी ना, तब दादी के सामने उसकी सती सावित्री वाली इमेज उतर जाएगी। सो सैड। उसने मुझे शराब पीने से मना किया था ना, अब देखना बिना शराब पिए मैं उसके साथ क्या क्या करता हूँ। गुड आइडिया। Finally, इस बोरिंग मेहंदी में कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। Excuse me. Let's go. I'll handle everything. You relax. See you at the playground, girls. All the best. दादी का इतना डर? डर नहीं, इज्जत, जो मैं भूल गया था। लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे इतना इरिटेट मोटिवेट किया कि मेरी आंखें खुल गई और मैंने फैसला लिया कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा। नहीं पियेंगे? कहीं ये फैसला भी आपने पीकर तो नहीं किया? या फिर सॉरी, तबीयत भी ठीक है फिर क्यों? ये लड़कियां इतना शक क्यों करती है? जब मैं कह रहा हूँ कि मैं जूस पी रहा हूँ तो जूस पी रहा हूँ, पियो। नहीं
तुम तो शर्लॉक से भी ज्यादा शक करती हो। पियो। मैं नहीं पीऊंगी, पता नहीं क्या मिलाया आपने इसमें। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अब मैं साबित करके रहूंगा कि ये जूस है, अब तुम्हें इसे पीना ही पड़ेगा। सगाई वाले दिन भी मैंने तुम्हें जूस ही पिलाया था ना, ये भी जूस ही है, अब तुम पियो इसे। नहीं, पता नहीं क्यों मुझे कुछ तो है जो सही नहीं है। नहीं पियोगी? नहीं। आंटी जी। अरे आप। आंटी जी एक मिनट। हाँ बेटा जी। आंटी जी सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन देखिए ना आपकी बेटी मेरी बात ही नहीं सुन रही है, कब से भाग दौड़ रही है, थक गई होगी। मैं कह रहा हूँ कि जूस पियो पर मना कर रही है, पियो। बेटा जी जब पति इतने प्यार से जो भी चीज दे ना वो पी लेनी चाहिए। हाँ फिर चाहे वो जहरी क्यों ना हो। क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना, जूस। बेटा अभिषेक सही तो कह रहे, तू कितने दिनों से भाग दौड़ कर रही है और कैसी थकी हुई लग रही है, चल जूस पी ले। जब मैं अपनी दादी की बात सुन सकता हूँ तो तुम अपनी मम्मी की बात नहीं सुन सकती। बैड गर्ल, पियो इसे। बस एक बार इसे गले से उतार लो, फिर अंदर की सारी रिपोर्ट बाहर, कि ब्लड में कितना लालच है, कितना झूठ है और कितना धोखा। आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आके रहेगी। रुको बेटा, ये जूस मत पीना, ये ठीक नहीं है। कोई खराबी है इसमें? इस जूस में गड़बड़ है। कहीं दादी ने मुझे इसमें वोडका मिलाते हुए तो नहीं देख लिया? क्यों रे, तू बहू को ये जूस क्यों पिला रहा था? दादी वो मैं ऑरेंज कलर का ना, इसमें कुछ है क्या? बेटा ये पैकेट वाला जूस ठीक नहीं होता, रंग और चीनी मिला के पता नहीं क्या क्या बेचते हैं। ये आलिया और अभी मंगवा लेते हैं, वरना ऐसे जूस तो मैं घर में लाने ही ना दूं। पर दादी आप किसी को खाने पीने से कैसे रोक सकते हैं? दादी तू मुझे मत सिखा, मैं तेरे लिए फ्रेश जूस मंगवाती हूँ। दादी ये भी तो फ्रेश जूस है, सब कुछ है इसमें, विटामिन्स मिनरल्स पोटेशियम आयरन कैल्शियम, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तुम कौन हो? अच्छा ये इतना ही अच्छा है ना, तो ये ले, तू पी ले, सेहत बना, पी ना। दादी और कितना सेहत बनाओ, लोग जब मुझे टीवी पर देखेंगे बोलेंगे कितना मोटा हो गया। बड़ा आया। आइए जी आप मेरे साथ आइए। समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों की प्लानिंग खराब है या फिर उस बहन जी की किस्मत अच्छी है। जब तक दादी इस घर में है ना तब तक तुम उस प्रज्ञा को बाहर नहीं निकाल पाओगे। तुम कहना क्या चाहती हो और प्रॉब्लम क्या है तुम्हें दादी से? नहीं मेरा मतलब है दादी की कजिन, प्रॉब्लम उनसे नहीं है, प्रॉब्लम उस प्रज्ञा से है। तुम्हें ना जबरदस्ती उसे पिला देनी चाहिए थी। तो एक काम करो ना, तुम ही पिला दो, ये लो। स्टॉप इट, स्टॉप फाइटिंग यू टू। ऐसे लड़ने से क्या होगा, बल्कि आया हुआ मौका हाथ से निकल जाएगा। हमें कैसे भी करके ये जूस उसे पिलाना होगा भाई। पर कैसे आया? भाई आइडिया है। आलिया तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे सारे प्लान्स इतने फूल प्रूफ है ना कि सब के सब फेल हो जाते। ये वाला गारंटीड पास होगा। That's a good plan. ये 100% काम करेगा। मुझे ही बताओ। आप तनु को नहीं, इसको मत बताना, क्योंकि जब भी हम इसे बताते हैं ना तो प्लान फेल ही होता है। Really? Guys, तुम लोग लड़ते रहो, मैं इस प्लान को अंजाम देके हैं। Hey, बंटी, जा जल्दी इधर, रॉबिन को बोला कर लेकर। बबली कैसी है तू? बैठ इधर। कहाँ थी? पता है मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। खाना खाया तूने? क्या काम है चाचू? स्मार्ट गर्ल। अच्छा क्या है ना,
मैं तुम्हारे लिए एक चॉकलेट लेकर आऊँ, पर किसी को पता ना मत कि मैंने तुम्हें वो चॉकलेट दिया है। पर उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, चाची को एक जूस पिलाना होगा। क्यों? वो क्या है ना कि चाची दिन भर काम कर रही थी ना, तो थक गई होगी, इससे उसे अच्छा लगेगा। पर आप क्यों नहीं पिला देते उन्हें? चाची मेरे हाथ से पीने में शर्माती है ना? फिर... जितना बोल रहा हूँ उतना करना, जा जाकर पिला कर लेकर। जब तू वापस आएगी तब तुझे चॉकलेट दूंगा, पर किसी को मत बताना कि ये जूस मैंने भिजवाया। अब आएगा मजा। मुझे ड्रिंक करने से रोका था ना, अब चश्मिश की खैर नहीं।